तो देखिए, ये वाला जो टॉपिक है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट अपन देख रहे हैं, और इसमें देखिए वेरियस बुक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। तो एट ए ग्लांस रिलीवेंट आइटम इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में कौन से आइटम आते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में कौन से आइटम आते हैं? तो इससे आपको पता लग जाएगा, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस एटर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और बहुत सारी चीजें दी हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी चीजों को लर्न किया जा सकता है। इसके अलावा एक बुक में फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, चेक करो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडेड। ये हेडिंग लिखनी कंपलसरी होगी, अगर नहीं लिखी तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सही है ना? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मेट आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट का, कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ, परचेज यहाँ, सेल यहाँ, लेस परचेज रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के वेरियस टाइप्स। एक अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक आपका यहाँ आता है, वैसे आप यहाँ लिख लो या उसे परचेज में से लेस कर दो, बात एक ही है। तो दोनों जगह लिखा जा सकता है। और क्रेडिट साइड का टोटल होगा, उसमें डेबिट को कंपेयर करेंगे, बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ये सब चीजें आपको पता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये कुछ फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपने चैप्टर में यूज भी किए हैं। नेट सेल कैसे निकलती है? सर, जो भी टोटल सेल हो उसमें से सेल्स रिटर्न लेस कर दो। टोटल सेल्स का मतलब कैश और क्रेडिट दोनों, है ना? यानी आपको दोनों लेने हैं। इसके अलावा नेट परचेज कैसे निकलती है वो भी आपने देखा, टोटल परचेज यानी कैश एंड क्रेडिट में से परचेज रिटर्न लेस कर दो। एक वर्ड याद करना, एडजस्टेड परचेज, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वापस बोल रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आप ट्रेडिंग में एडजस्टेड परचेज लिख लेते हो तो ओपनिंग क्लोजिंग इसके अंदर ही है, इसलिए वो अलग से कभी नहीं आता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की है। इसके अलावा एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक है डेबिट अप्रोच। डेबिट अप्रोच कहती है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये बात कैसे निकली है उसको एक बार देख लें। देखो, डेबिट अप्रोच ये कहती है कि डेबिट साइड के सभी आइटम लो यहां से यहां तक के, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो। कुल मिलाकर ये है, ये आपकी डेबिट अप्रोच है। और क्रेडिट अप्रोच ये अप्रोच होती है, यानी सेल्स, सेल्स का मतलब हमेशा नेट सेल्स से है, ये बात ध्यान रखना, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इससे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है। और एक डेबिट अप्रोच, डेबिट साइड के आइटम लेके माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है। तो दो अप्रोचेज होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, यूज कौन सी करनी है डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, की क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल कौन सा है। एक वर्ड एक आध एग्जाम्पल में आपका आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये वर्ड आया था डीके गोयल में। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस। नेट परचेज का मतलब परचेज रिटर्न लेस करने के बाद, तो वो नेट परचेज का मतलब वही है, प्लस वेजेस कोई खर्चा वगैरह बनाने का हुआ हो, क्योंकि इसने प्रोडक्शन की कॉस्ट बोली है तो ऑब्वियस है वेजेस वगैरह उसमें इंक्लूड हो जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर, सेल को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कंपेयर कर दो, कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी आपने निकाला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल ऑपरेटिंग चीजें लेस कर दो, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, तो जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी ऑपरेटिंग होगा, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? बेसिकली तीन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग के खर्चे और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। और एक चीज आ सकती है इंपॉर्टेंट, स्टोर कंज्यूम कभी कभार काम आ सकता है। स्टोर कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टोर, स्टोर यानी रॉ मटेरियल, जो अभी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स नहीं है ना, रॉ मटेरियल है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टोर प्लस परचेज ऑफ स्टोर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर, यानी वही ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इसका फॉर्मूला वही है जो एडजस्टेड परचेज में अपन ने यहाँ देखा था, पर ये गुड्स का था और ये रॉ मटेरियल का है, ये इसका डिफरेंस है। तो ये चीजें भी आपको देखनी है। बैलेंस शीट में आपके क्या क्या आइटम हो सकते हैं? तो देखो, बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, यही होती है बैलेंस शीट के दो पार्ट।
एसेट साइड में क्या आता है, तीन टाइप की एसेट्स हैं, चेक कर लो। और लाइब्रेरी में आपकी दो लाइब्रेरीज हैं, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकते हैं, जिनको देख सकते हैं और नहीं देख सकें। करंट एसेट्स आपको पता है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लाइब्रेरीज आपकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों है, लॉन्ग टर्म लाइब्रेरीज भी हैं और जिनको हम नॉन करंट लाइब्रेरी भी कहते हैं, और करंट लाइब्रेरी भी लेनी है। कैपिटल आप जानते ही हैं, ये बैलेंस शीट के रिलीवेंट आइटम है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। एक आपका वर्ड आता है कंटिंजेंट लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जो किसी इवेंट की हैपनिंग पे, सम स्पेसिफिक इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड करती है, तभी वो उनको पेड करना है, अदरवाइज इनको पे नहीं करना है, ये कहलाती है कंटिंजेंट लाइब्रेरी। बेसिकली इसके एग्जाम्पल पूछेंगे, तीन एग्जाम्पल है। एक तो आपने कोई गारंटी दे रखी हो किसी बैंक को, किसी पर्सन के लिए, मान लो मिस्टर एक्स के लिए गारंटी दे दी, या फिर कोई कोर्ट केस पेंडिंग है वो भी आपकी हो सकती है, और एक बिल डिस्काउंटेड, आपने बिल डिस्काउंट करा लिया, वो बैंक में पड़ा है लेकिन आपकी लाइब्रेरी है, जब तक कि उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आती और उसका पेमेंट नहीं होता तब तक आपको जो है वो आपको उसका पेमेंट करना पड़ सकता है, आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, बैलेंस शीट में दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, है ना, जिसको कहते हैं मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग, है ना। ग्रुपिंग तो ये, ग्रुपिंग क्या होता है देखो मैं बताता हूँ, फिक्स एसेट सारी एक साथ लिखी है, करंट एसेट सारी एक साथ लिखी है, दैट्स कॉल्ड ग्रुपिंग। वर्ड याद कर लो, ग्रुपिंग किसको कहते हैं, ग्रुप बना लेना अलग अलग, इसको कहते हैं ग्रुपिंग। और मार्शलिंग का मतलब होता है ऑर्डर, मार्शल कहता है आर्मी में, उसको मार्शलिंग नाम दिया गया। बैलेंस शीट का ऑर्डर है और हम ऑर्डर ऑफ परमानेंस समझ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में फिक्स एसेट्स पहले आती हैं, करंट एसेट्स बाद में आती हैं, ठीक है। यहां भी कैपिटल पहले आएगी, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगी, फिर करंट लायबिलिटी आएगी, ये ऑर्डर है, मतलब पहले फिक्स एसेट्स हैं, परमानेंट चीजें पहले हैं, इसको ऑर्डर ऑफ परमानेंस कहते हैं, फिक्स एसेट्स पहले हैं, करंट एसेट्स बाद में हैं। यहां भी पहले कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। फिर एक आएगा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, उसमें क्या होगा, करंट एसेट्स ऊपर पहुंच जाएंगे और फिक्स एसेट नीचे आ जाएंगे। देखो दिखाता हूं मैं भी आपको, ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, ये देखो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में देखो करंट एसेट्स पहले आई हैं और फिक्स एसेट बाद में आई हैं, और लाइबिलिटीज भी उल्टी हो गई, करंट लाइबिलिटी पहले आई हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एज इट इज बीच में ही है और कैपिटल बाद में आई है, यानी जो चीजें हैं ना वो इस तरीके से एक्सचेंज हो गई हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कभी कोई बैलेंस शीट की, यहाँ पे इसको ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाओ या ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाओ, है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, इसमें करंट एसेट्स यहाँ है, फिक्स एसेट्स यहाँ है, जबकि ऑर्डर ऑफ परमानेंस में उल्टा था, देखो तो उसमें फिक्स एसेट्स आपकी यहाँ आई थी और करंट एसेट्स आपकी यहाँ आई थी, ठीक है। ऐसे ही लाइब्रेरीज के अंदर भी देख लो, कैपिटल लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी एंड करंट लाइब्रेरी, जबकि यहाँ आपका सबसे पहले करंट लाइब्रेरी आया, फिर लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी आया, फिर कैपिटल आया, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका देखो अपन ने एक इलस्ट्रेशन भी इसमें डाला, एक क्वेश्चन इस टाइप का बैलेंस शीट का आपको गिवन होगा और आपको कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाओ और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, दो ऑर्डर दे देंगे, कंटेंट सारा आपको गिवन है ना। अब इससे आपको जो बैलेंस शीट है दो तरीके से बनानी पड़ेगी, ये आपने बनाई है फिक्स एसेट्स पहले दिए तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर करंट एसेट्स है, ऐसे ही यहाँ पहले कैपिटल है, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, फिर करंट लायबिलिटी है। इसका जस्ट उल्टा कर दिया अपन ने ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में, देखो उसमें क्या है कि यहाँ पहले करंट एसेट सबसे लास्ट में थी ना, करंट एसेट सबसे पहले, यहाँ करंट लायबिलिटी सबसे लास्ट में था ना, यहाँ करंट लायबिलिटी सबसे पहले, उल्टा ऑर्डर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपकी बनाया जा सकता है, एक्सेप्शन केस है, लेकिन अगर टीचर चाहे तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपका बना सकता है, इसका अपन को ध्यान रखना है। एक बार रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ जिससे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो। इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट आपका है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग एंट्रीज कैसे बनती हैं, क्योंकि इस अकाउंट को क्लोजिंग अकाउंट भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को क्लोजिंग अकाउंट भी कहा जाता है। अब इसको क्लोजिंग अकाउंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे क्लोजिंग एंट्रीज बनती है, और क्लोजिंग एंट्रीज कैसे बनती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है,
ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की आपकी एक एंट्री बन जाएगी। यहाँ तक कैसे बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू टू कैरेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू गैस, इस तरह से एक एंट्री बन सकती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू करके। और एक एंट्री बन सकती है क्रेडिट साइड से, वो इस तरीके से बनेगी, क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये दोनों एंट्रीज मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रही, ये तो डेबिट साइड की एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक परचेज, और ये क्रेडिट साइड की एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट की भी एंट्री बन सकती है, ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, तो एंट्री बननी चाहिए ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्रॉस प्रॉफिट नाम का कोई अकाउंट होता ही नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस पीएनएल में ट्रांसफर होगा, इसलिए एंट्री बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, यहाँ पीएनएल लिखा रहना चाहिए, जिससे आपको एंट्री बनाना आसान हो जाए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। और अगर ग्रॉस लॉस हो तो पीएनएल यहाँ आएगा, एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये दो एंट्री भी याद करनी है, ट्रेडिंग टू पीएनएल या पीएनएल टू ट्रेडिंग, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पेक्टिवली। ये देखो ये रही, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री है और ग्रॉस लॉस के लिए क्या एंट्री है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्लोजिंग एंट्रीज हैं, ध्यान रखना, ये ट्रेडिंग और पीएनएल से बनती हैं। जैसे मैं पीएनएल से ही बताता हूँ, ये पीएनएल है, पीएनएल में सारे आइटम लिखे हुए हैं, और पीएनएल से क्लोजिंग एंट्री भी बन सकती है। देखो क्लोजिंग एंट्रीज रिगार्डिंग पीएनएल अकाउंट, वो भी ऐसे ही बनेंगी, देखो कैसे बनेंगी। ये पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू रेंट, टू प्रिंटिंग, टू टेलीफोन, टू अनप्रोडक्टिव, टू, ऐसे बन जाएगी। और क्रेडिट साइड की एंट्री भी ऐसे ही बनेगी, वो यहाँ से बनेगी, कैसे, रेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कमीशन रिसीव टू पीएनएल, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, वो ऐसे बन जाएगी। फिर सवाल आएगा, सर ये नेट प्रॉफिट की एंट्री कैसे बनेगी, तो नेट प्रॉफिट वास्तव में चल जाता है कहाँ, कैपिटल में, तो यहाँ कैपिटल पढ़ना है, तो एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को क्रेडिट कर दिया ना, कैपिटल को क्रेडिट करने से कैपिटल बढ़ गई, तो उससे अपने आप नेट प्रॉफिट में वो चीज ऐड हो गई, तो एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये देखो ये सारी एंट्री ये रही, अगर डेबिट वाली एंट्री देखोगे तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सारे खर्चे, और क्रेडिट वाली एंट्री देखोगे तो सारी इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और फिर नेट प्रॉफिट की एंट्री है तो पीएनएल टू कैपिटल, और अगर नेट लॉस की एंट्री है तो कैपिटल टू पीएनएल। इस तरीके से ये आपकी क्लोजिंग एंट्रीज भी आपकी हो सकती हैं। देखिए एक ट्रेडिंग पीएनएल का आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्रेजेंटेशन भी होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो हॉरिजॉन्टल तो हम करते हुए ही आए हैं, हॉरिजॉन्टल जो अपन ने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ये हॉरिजॉन्टल है, होराइजन होता है ना, ऐसा होराइजन होता है, सूरज यहाँ उग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों यही होती है। एक होता है वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल फॉर्म है। वर्टिकल फॉर्म में क्या होता है कि जैसे ये सेल है ना, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड जो है वो इसके नीचे आके यहाँ लेस होती है, तो वो बस एक ही कॉलम बनता है, ये वाला बस इसी में से लेस हो जाता है, डेबिट साइड यहाँ नहीं करके उसको नीचे यहाँ लाके लेस किया जाता है। कैसे होता है ये सब, वो मैं देखो यहाँ दिखाता हूँ, ये रही नेट सेल, ग्रॉस सेल, लेस रिटर्न्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल दोनों आ जाएंगे। अब लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी डेबिट साइड, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो सबका टोटल यहाँ आ जाएगा, और वो टोटल यहाँ के लेस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरीके से क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड पूरी की पूरी लेस की, तो ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताए थे एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल से, वो भी डेबिट से, ये सब खर्चे डेबिट में आते हैं, फिर डेबिट साइड लेस हुई, तो ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें नॉन ऑपरेटिंग भी कोई इनकम हो तो उसको ऐड कर दो, और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो डेबिट साइड में तो उसको लेस कर दो, तो क्रेडिट साइड की इनकम तो जोड़ दी गई और डेबिट वाली लेस कर दी गई, उसको भी एड लेस कर दो, तो ये आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से इसमें एक ही कॉलम है, मतलब एक ही कॉलम मतलब केवल एक ही साइड चल रही है, दूसरी साइड तो है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म। पर ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली 11th क्लास में नहीं पूछा जाता है, ये बेसिकली 12th का पार्ट है, तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये जो चीज है वो समझाई है। देखिए एक एसेट्स का टाइप होते हैं, कि एसेट्स के टाइप कौन से हैं, तो देखो एसेट्स के टाइप हैं, एक तो टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, उसमें फिक्स्ड भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है।
एक है इंटेंजिबल, जैसे गुडविल हम देख ही नहीं सकते, एक है फिक्टिशियस, एक है वेस्टिंग और एक है कंटिंजेंट। इतनी टाइप की एसेट्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स जिनको बेचने से कोई पैसा रिकवर नहीं हो सकता वो कहलाती हैं फिक्टिशियस एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स, जो एसेट्स टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू खोती जाती हैं वो वेस्टिंग एसेट्स कहलाती है, जैसे रॉयल्टी वगैरह या पेटेंट वगैरह आपने कोई एसेट ली है जो धीरे धीरे इनकी वैल्यू अपने आप टाइम, क्योंकि ये 5 साल के लिए गए लिए या 10 साल के लिए लिए गए होंगे, जैसे जैसे पीरियड लैप्स होता जाएगा इनकी वैल्यू कम होती जाएगी। और एक होता है कंटिंजेंट एसेट्स, जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है कि वो लाइबिलिटी जो किसी इवेंट के होने पर अकर होगी और आपको पे करनी पड़ेगी, ऐसे कोई एसेट्स जो कि किसी इवेंट के होने पे डिपेंड करेगा तो ही वो आपकी एसेट है, अदरवाइज वो आपकी एसेट नहीं है। जैसे कोई कोर्ट केस आपने कर रखा है, अगर आप जीत गए तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं जीते तो नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई पेंडिंग कोर्ट केस हो तो वो आपका कंटिंजेंट एसेट कहला सकता है। देखिए अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग पीरियड कैसे बनता है। ट्रेडिंग तो सेम है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाता है तो बैलेंसिंग फिगर में आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ जाता है। फिर आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हो, कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ ले आते हो। फिर जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो यहाँ दिखाते हैं, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो आप यहाँ एक्सपेंसेस यहाँ दिखाते हैं, इनकम यहाँ दिखाते हैं, और बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या निकल जाता है, नेट प्रॉफिट निकल जाता है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन में ये तो है ट्रेडिंग, और पीएनएल के यहाँ दो पार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट पार्ट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, सेकेंड पार्ट से नेट प्रॉफिट निकलता है। पीएनएल यहाँ दो पार्ट में बनता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको लास्ट क्लास में दिया गया था वो इसी टाइप में था। देखो एडजस्टेड परचेज का कैसे यूज करते हैं, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर आपने ये एडजस्टेड परचेज लिख दी तो फिर आप चेक करो ना ओपनिंग स्टॉक यहाँ है ना क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है, क्योंकि वो एडजस्टेड परचेज के अंदर ही है, वो इसके अंदर है। तो एडजस्टेड परचेज जब लिख देते हैं तो यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते, रेस्ट आइटम आर सेम, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग से वो अपन को पता है। तो ये एडजस्टेड परचेज का, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस हाँ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये तीन आइटम तो इस एडजस्टेड परचेज के अंदर ही है, तो इसीलिए ओपनिंग परचेज और क्लोजिंग अब तीनों नहीं आ रहे क्योंकि एडजस्टेड परचेज अकेला ही उन तीनों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है।